फाइजल ब्यूटी क्रीम जल्द को अंदर से नरम और रोशन करे जैसे रोज एक बहार आई हो। अस्सलामुअलैकुम, ग्रेट न्यूज के साथ मैं हूं असद इम्तियाज। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में बदलते हालात का इदराक करते हुए अपना नुक्ता नज़र तब्दील करे। वज़ीर आज़म इमरान खान की स्पेन के वज़ीर खारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। जोज मायनूल अलबारस की स्पेन के शहरियों सफारती अमले और दीगर अफराद की अफगानिस्तान से इनखिला के लिए पाकिस्तान की काविशों की तारीफ। कौमी इक्तसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में 38.99 अरब रुपये लागत से 29.307 किलोमीटर तवील चकदरा से रबात तक दीर मोटरवे मंसूबे की मंजूरी दी गई। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के हवाले से इजलास। इजलास में वज़ीर इक्तसादी अमूर उमर अयूब खान, पार्लिमानी सेक्रेटरी कानून व इंसाफ मलिका बुखारी की शिरकत। ऐसे लग रहा है इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। कोई भी शख्स मुल्क में इंतखाबी निज़ाम से मुतमईन नहीं। सेनेट कमेटी में इलेक्शन कमीशन का रवैया पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को ठुकराने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन को टेक्नोलॉजी पर एतराज़ है या किसी चीज़ में बेहतरी लाना चाहते ही नहीं तो मीडिया पर खुलकर बता दें। वज़ीर इत्तला'आत चौधरी फवाद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल 8 माह कबल गुज़श्ता साल अक्टूबर में कौमी असेंबली में पेश किया गया। अपोजिशन ने 8 माह में इंतखाबी इस्लाहात पर कोई अमल। इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल 8 माह कबल गुज़श्ता साल अक्टूबर में कौमी असेंबली में पेश किया गया। अपोजिशन ने 8 माह में इंतखाबी इस्लाहात पर कोई अमली पेशरफ्त नहीं की। फतेह जंग गाड़ी पर फायरिंग से एडिशनल आईजी मोटरवे सजाद अफजल आफरीदी जख्मी। भाई जांबा गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है और पूछने वाला कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी बोल उठे, हुकूमत को खरी खरी सुना दी। सैफी भाई हमसे सीरीज़ खेलने, न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो गया, हाँ अब यही रह गया है। सरफराज अहमद के बेटे के साथ सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाने की वीडियो वायरल। शायकीन क्रिकेट के साथ दिलचस्प तबसरे और जुमलेबाजी। उमर शरीफ की तबीयत बिगड़ गई है, इनको इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करना है। एलिया जरीन उमर। लाहौर पुलिस ने 13 साल बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में ब्लॉगर को गिरफ्तार कर लिया। मौसूफ औरत मार्च के खिलाफ ब्लॉगिंग किया करते थे। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 47,000 की नफसियाती हद अबूर। केपी सिर्फ दीगर सूबों नहीं बल्कि दुनिया के लिए मिसाल बन गया, तमाम मुस्तहिक खानदानों का मुफ्त इलाज होगा। हमने जब तालिबान से कहा कि आप हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को काबीना में ले लें तो इन्होंने कहा आप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को अपनी काबीना में ले लेंगे, शेख रशीद का बयान। चित्राल के स्कूलों में 65 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। दूसरी तरफ स्पीकर असद कैसर भी दोबारा कोरोना वायरस का शिकार हो गया। लाइफ एक हसीन बैलेंस है, देखे अनदेखे के बीच में। जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की साइड इल्यूमिनेटेड लाइट से, जो रेफ्रिजरेटर्स को रखे ब्राइट और बढ़ाए विजिबिलिटी, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है।